आज मैं राजस्थान की एक ऐसी जगह का इतिहास बताने वाली हूँ जिसकी छवि देश और विदेश में छाई हुई है। मकराना, जो पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है, इसका एक अलग ही इतिहास है और इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। किंतु YouTube पर अगर हम मकराना के इतिहास को सर्च करते हैं तो कोई भी विशेष वीडियो मकराना के इतिहास को लेकर नहीं मिलती है। तो इसीलिए आज मैं मकराना के इतिहास के साथ साथ मकराना मार्बल का इतिहास भी बताने वाली हूँ, जिससे आपको कई रोचक तथ्य और नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मकराना का इतिहास। मकराना भारतीय राज्य राजस्थान की नगर परिषद और तहसील है। इस तहसील में 136 गांव शामिल हैं और इस प्रकार ये नागौर जिले की सबसे बड़ी तहसील बन जाती है। जयपुर से पश्चिम में मकराना 110 किलोमीटर और उत्तर पूर्व में 190 किलोमीटर है। मकराना को उस हिस्से के लिए जाना जाता है जिसने ताजमहल के निर्माण में संगमरमर कारीगरों और पत्थरों की मूर्तियों की आपूर्ति करके यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र का निर्माण किया है। मकराना में संगमरमर का खनन किया जाता है और यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय भी खनन ही है। मकराना की स्थापना किसने की थी? तो मकराना की स्थापना रणवा जाटों ने की थी, जो कि सहजराव रणवा गोत्र के पूर्वज थे, जिन्होंने विक्रम सावंत 1111 में नागौर छोड़ दिया था और ग्राम सामीखेरा की स्थापना की थी और वहां पर जिले और शिव मंदिर का निर्माण किया था। और बाद में शाहजहां के 12 बेटों ने झांकास, भीनवासी, खांदी, मोलासर, मकराना और हिसानी गांवों जैसे 12 गांव की स्थापना की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मकराना की कुल जनसंख्या 203,987 है, जो आसपास के क्षेत्र को मिलाकर है। मकराना का नाम कहां से लिया गया? तो मकराना का नाम ईरानी सल्तनत के मकरान नगर से लिया गया है और मकराना को दी मार्बल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मकराना के मार्बल का इतिहास भी काफी रोचक है। तो चलिए जानते हैं मकराना के मार्बल का इतिहास। मकराना में मार्बल की 758 खाने हैं, किंतु पहाड़ कुआ के खाने विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हीं खानों के पत्थरों से ताजमहल बना है। यही नहीं, देलवाड़ा के जैन मंदिर, जयपुर का बिड़ला मंदिर, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद, पाकिस्तान के लाहौर की मोती मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर, वृंदावन में इस्कॉन मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, देशनोक करणी माता मंदिर, लुधियाना की दुख निवारण साहब गुरुद्वारा सहित मुकेश और अनिल अंबानी के पूजा घर, स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल के घर सहित विश्व के नामी मंदिरों और इमारतों में मकराना का मार्बल जुड़ा है। मकराना मार्बल को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस ने ग्लोबल हेरिटेज स्टोन घोषित किया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने विक्टोरिया महल में आखिर क्यों लगाया था मकराना का मार्बल। अंग्रेजों ने मकराना मार्बल की गुणवत्ता और चमक को देखते हुए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट सर थॉमस हेनरी के सुझाव पर सन 1902 में विक्टोरिया महल में मकराना के मार्बल को लगाने का निर्णय किया गया था। मकराना मार्बल को ही क्यों चुना गया? पहाड़ कुआ के पास स्थित एक मस्जिद की लिखी हुई इमारतों से यह पता चलता है कि मकराना का मार्बल ताजमहल बनाने के लिए ले जाया गया था और ताजमहल का नक्शा अरब के वास्तुकार ईशा आफिदी ने बनाया था। इसी वास्तुकार ने ताजमहल में नर्म और नमी वाले
मार्बल को लगाने का सुझाव शाहजहां को दिया था। वास्तुकार आफिदीन ने मकराना की संगमरमर पत्थर को उच्च कोटि का बताया। इस पर बादशाह ने अपने दरबार के एक ओहदेदार पहाड़ काक को संगमरमर खनन करवाने के लिए मकराना भेजा और लोग पीठ पर लादकर संगमरमर को बाहर निकालते और हाथियों द्वारा आगरा पहुंचाए जाते। अब तक के सर्वे सहित रिपोर्ट के अनुसार अभी तक मकराना इलाके में 21 करोड़ टन मार्बल और मौजूद है। वर्तमान में सालाना 12 लाख टन मार्बल निकल रहा है। इस लिहाज से 150 साल निकलेगा और अगर रफ्तार दुगनी भी हुई तो कम से कम 84 साल तक का भंडार अभी भी मौजूद है। यह मार्बल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और 150 साल तक कोई कमी नहीं आएगी। मतलब ये हुआ कि इस मार्बल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है और अगले 150 साल तक भी मिलेगा। मकराना मार्बल का इतिहास काफी विस्तृत है, तो मकराना मार्बल को लेकर एक और वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊंगी, जिसमें आपको मार्बल की अलग अलग वैरायटी और कौन सा मार्बल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और इसके अलावा कौन सा मार्बल फर्श पर सबसे अच्छा लुक देता है, जैसे कई रोचक तथ्य और जानकारी आपको मिलेगी। मकराना विकासशील शहरों में से एक है और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि मकराना मार्बल को GHSR मतलब कि ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्सेज में दर्जा प्राप्त है। तो अगर मकराना और मार्बल का इतिहास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।